वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया जीएसटी दरों का ऐलान। जीएसटी काउंसिल ने निर्धारित की चार दरें, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत दरें हुई निर्धारित। पान मसाला और लग्जरी गाड़ियों पर अब देना होगा ज्यादा टैक्स। गुरुवार शाम को पूर्व फौजी की खुदकुशी पर कांग्रेस के कैंडल मार्च में शामिल हुए राहुल गांधी। इस दौरान पुलिस हिरासत में लिए गए राहुल गांधी, 2 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत से छोड़ा। दिन में पूर्व फौजी की अंतिम विदाई में भी राहुल गांधी शामिल हुए थे। हिरासत से छूटने के बाद बोले राहुल गांधी, इस मसले पर माफी मांगे पीएम मोदी। राहुल गांधी को लेकर हिरासत में लेने के मामले में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कहा राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि 3 बार दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पूर्व सैनिक रामकिशन के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि पूर्व सैनिक के परिवार में 1 सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इससे पहले पूर्व सैनिक की अंतिम विदाई में भी केजरीवाल शामिल हुए। गुरुवार को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सीएम अखिलेश की समाजवादी विकास रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सपा सुप्रीमो ने रथ यात्रा के लिए अखिलेश को शुभकामनाएं भी दी। 500 मीटर भी नहीं चल पाया सीएम अखिलेश का 5 करोड़ का विकास रथ। रथ को खींचने के लिए मंगवाई गई क्रेन, सीएम अपनी गाड़ी से हुए रवाना। रथ यात्रा के मंच पर शिवपाल और सीएम अखिलेश की एक बार फिर से दिखाई दी तल्खी। मंच पर एक दूसरे को नजरअंदाज करते दिखे दोनों। वहीं सीएम अखिलेश ने कहा कि रथ यात्रा के माध्यम से हम लोगों के बीच जा रहे हैं। हम जनता को बताएंगे कि हमने क्या किया, उनसे पूछेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए जिससे चुनाव बाद हम जनता के लिए अच्छा काम कर सके। कोशिश है कि इस समाजवादी विकास रथ के माध्यम से जनता के बीच में तमाम वो बातें कही जाएं जो सरकार ने 4.5 साल में किया है, वहीं आने वाले समय में और क्या समाजवादी सरकार करेगी जनता के समर्थन मिलने के बाद, उन तमाम बातों को उन्हें बताना है। मायावती ने साधा सीएम अखिलेश की रथ यात्रा पर निशाना, बोली माया उलझे और बेहाल सीएम की रथ यात्रा में गुंडे और खुड़दंगी हुए शामिल। प्रदेश में 4.5 साल से जारी है भ्रष्टाचार और जंगल राज। रजत जयंती को लेकर लखनऊ में सपा की आज होगी अहम बैठक। सपा मुख्यालय में शिवपाल यादव लेंगे बैठक, सभी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। कानपुर में सरकारी विभाग की प्रताड़ना से परेशान शख्स ने फहराया पाकिस्तान का झंडा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। हिरासत में लिया गया शख्स केडीए और जल निगम द्वारा ज्यादा बिल भेजे जाने से परेशान था। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर फरार हुआ अज्ञात हमलावर। घायल प्रॉपर्टी डीलर की अस्पताल में इलाज हो रहा है। इलाज के बाद पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। कन्नौज पुलिस ने साइकिल स्टोर में हुई शख्स की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर दिया है। हत्या के बाद फरार चल रहा था मोनू। 12 अक्टूबर को मोनू ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। कानपुर में पिता की मौत से क्षुब्ध बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 1 साल पहले पिता की मौत के बाद बेटी ने अगले साल 3 नवम्बर को कही थी खुदकुशी करने के बाद। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। सोनभद्र में डीजल की सप्लाई को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हुई है। झड़प में एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस।